दोस्तों कलयुग चारों युगों में सबसे भ्रष्ट युग है। इस युग में सबसे अधिक पाप होगा, अन्याय होगा, छल होगा, हिंसा होगी और कुछ मनुष्यों को छोड़कर बाकी के सारे मनुष्य इन सब में लिप्त होंगे। ईश्वर के दर्शन करना मनुष्य के लिए असंभव हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ एक ऐसे देवता होंगे जो कलयुग में भी सदा सर्वदा विद्यमान रहेंगे और वो होंगे भगवान हनुमान। जी हाँ दोस्तों, भगवान हनुमान ये मेरे भी इष्ट हैं और आप सभी के भी। दोस्तों ये ऐसे देवता हैं जो कलयुग के शुरुआत में थे और अंत में भी होंगे। जब कलयुग के अंत का समय आएगा तो कल्कि अवतार प्रकट होंगे। कल्कि भगवान भगवान विष्णु के ही अवतार होंगे। दोस्तों भगवान विष्णु ने हर युग में समय समय पर पाप और बुराई का अंत करने के लिए अवतार लिए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 9 अवतार सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार। इनमें भगवान विष्णु ने कुछ अवतार सतयुग में लिए, कुछ त्रेता युग में लिए, कुछ द्वापर में लिए और अंत में एक अंतिम अवतार लेंगे जो कि कलयुग में होगा और वो होगा कल्कि अवतार। दोस्तों कलयुग में भगवान हनुमान भी होंगे और कल्कि अवतार भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का मिलन कैसे होगा? भगवान हनुमान और कल्कि अवतार कैसे मिलेंगे, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कल्कि भगवान, जय बजरंग बली जरूर लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, अंत काल रघुबरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर किसी और देवता में चित धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सा शरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुँच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि में भटकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वे अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति की शक्ति को पहचानते नहीं। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। दोस्तों हनुमान जी चार कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला ये कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा ये कि वे पावरफुल होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी सा शरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंग बली के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई भी मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। दोस्तों हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। दोस्तों जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर इस धरती पर अवतरित होंगे तब भगवान हनुमान अपने मूल स्वरूप में आएंगे और उनकी मुलाकात संभाला में होगी, जिसे शंग्रीला, ज्ञानगंज या फिर सिद्धाश्रम कहते हैं। संभाला में सभी दैवीय शक्तियों से युक्त सिद्ध पुरुष रहते हैं जो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के साथ मिलकर युद्ध करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म संभाला में ही होगा और वहीं पर भगवान हनुमान और कल्कि अवतार का मिलन होगा। दोस्तों ज्ञानगंज में चिरंजीवी भी जीवित हैं और तपस्या में लीन हैं, जो कल्कि अवतार के साथ होंगे। उन चिरंजीवियों में हनुमान, परशुराम, विभीषण, महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, कृपाचार्य और अश्वस्थामा है। दोस्तों त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। दोस्तों द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम खुद ही हटा दो, लेकिन भीम अपनी
बुरी ताकत लगाने के बाद भी पूंछ हटा नहीं पाते। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। दोस्तों, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास की भांति उसे भी हनुमान जी के दर्शन होंगे। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भय संतर की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।